नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एक ऐसी विधायक प्रत्याशी के बारे में जिनके पिता एमएलसी हैं और मां हैं सांसद। इस प्रत्याशी का सालाना आय है 7,94,00,000 रुपया। यही नहीं, इस प्रत्याशी पर 30,00,000 रुपए का लोन भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है यह प्रत्याशी। तो इस प्रत्याशी का नाम है कोमल सिंह। कोमल सिंह मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। कोमल की उम्र मात्र 27 वर्ष है। बिहार विधानसभा चुनाव में कोमल सिंह उस वक्त चर्चा में आई जब लोजपा ने उन्हें गायघाट से अपना उम्मीदवार बनाया। कोमल सिंह के चर्चा में आने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन उम्र और कमाई इन्हें सबसे अलग और खास बनाती है। कोमल सिंह की फैमिली बैकग्राउंड भी दिलचस्प है। दरअसल कोमल सिंह के पिता जदयू कोटे से एमएलसी हैं, वहीं इनकी मां वीना देवी वैशाली से लोजपा सांसद हैं। वीना देवी आरजेडी उम्मीदवार रघुवंश प्रसाद सिंह को हराकर सांसद बनी थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर कोमल सिंह चुनाव जीत जाती हैं तो एक ही छत के नीचे विधायक, सांसद और एमएलसी तीनों रहेंगे, जो अपने आप में एक खास रिकॉर्ड होगा। कोमल सिंह ने चुनाव आयोग में जो हलफनामा दिया है उसके अनुसार कोमल एमबीए की हुई है और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं। सैलरी के अलावा उनकी आय का अन्य साधन इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न और रेंट यानी कि प्रॉपर्टी से मिलने वाला किराया है। यही नहीं, शेयर बाजार में भी कोमल ने बड़ी रकम इन्वेस्ट की हुई है। गायघाट सीट पर कोमल का मुकाबला जदयू उम्मीदवार महेश्वर यादव से है। महेश्वर यादव वर्तमान में विधायक हैं और 2015 के विधानसभा चुनाव में वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वो जदयू में शामिल हो गए हैं। महेश्वर ने 2015 विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रही कोमल की मां वीना देवी को हराकर इस सीट पर जीत दर्ज किया था। वहीं राजद ने इस सीट से नंदकुमार राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि इस बार भाजपा और जदयू साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए गठबंधन में इन दोनों दलों के अलावा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और वीआईपी पार्टी भी शामिल है। वहीं लोजपा इस बार अकेले चुनाव लड़ रहा है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी थी। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव जदयू और राजद साथ मिलकर लड़े थे। आपको बताते चलें कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है। ऐसे में अब पहले चरण का मतदान होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेता बिहार की जनता का दिल जीतने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। वहीं लोजपा नेता चिराग पासवान भी अब चुनावी रण में कूद पड़े हैं। चिराग पासवान के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अभी हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और अब ऐसे में चिराग पासवान पर ही पार्टी की पूरी जिम्मेदारी आ गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।